हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम से रिलेटेड, आपका एनडीए के एग्जाम से। एनडीए का एग्जाम ये आपका हुआ था 16 अप्रैल को 2023 में। तो इसमें हम जो कर रहे हैं अपने मैथमेटिक्स के पर मैथमेटिक्स का सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना हम आराम आराम से कर रहे हैं। तो आज पिछली वीडियो में हमने 1 to 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे कि किस तरह से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 11 से स्टार्ट करेंगे, देख लेते हैं कि किस तरह से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं 11th में। तो बेसिक से क्वेश्चन है आपके, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं अब तक। तो हमने जो चेक किए हैं 10 क्वेश्चन में, 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11th क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है कि जेड एक, यहाँ पर 11th कर रहे हैं, तो जेड यहाँ पर दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - i√3। तो आयोटा की वैल्यू दे रखी है और यहां से आपको ए बी और निकालना। तो ए बी का वैल्यू हम निकालें तो रूट्स निकालें, तो रूट्स कैसे होते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ ये आपका क्या है, अल्फा हो जाएगा, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा। तो बीटा निकालते हैं, तो बीटा क्या होता है, यहाँ से जेड कंजुगेट निकालते हैं। जेड कंजुगेट क्या होता है, दोनों का साइन चेंज हो जाता है, सॉरी इसका इमेजिनरी नंबर का, राइट। तो ए प्लस बी का निकालना, तो यहां से आप इसको सोल्व करो। जो यहाँ पर ए है वो क्या है, यहाँ पर ए है माइनस अल्फा प्लस बीटा है, राइट। और जो बीटा जो बी है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट है, राइट। तो इसको सोल्व करना, तो सिंपल सी चीज दे रखी है, देखो इनको सोल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा, ये आपका ए के बराबर है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, आई टू आई रूट, इमेजिनरी नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 आ जाएगा माइनस का। ए की वैल्यू -4 आ जाएगी, ठीक है। और बी की वैल्यू निकालते हैं, बी की इन दोनों की प्रोडक्ट कर लो। तो इन दोनों की आप प्रोडक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 4² + 3 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू यहाँ से जो बी होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, स्क्वायर कर दो। अगर आईटा की वैल्यू अगर यहाँ पर -1 है रूट में, और आईटा स्क्वायर की वैल्यू इस तरह से यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, आईटा स्क्वेयर जो आएगा वो आपको -1 के बराबर आएगा, राइट। तो -1 के बराबर आएगा, तो 4 का स्क्वेयर और माइनस का आईटा 3 स्क्वेयर, आईटा स्क्वेयर 3 हो जाएगा और आईटा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपकी कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, ए ए प्लस बी निकालना। तो ए की वैल्यू -4 है, बी की वैल्यू इतनी है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, -4 + 7 = 3, आपका राइट आंसर दे देगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि जेड अगर इतना है तो आईटा की वैल्यू दे रखी है आपको, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना। तो ये भी आपका बेसिक से सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, हमें ज्यादा इसको सर्च ही नहीं करना, ज्यादा कुछ देखना ही नहीं। बस इसमें आपको देखना है कि जो आपका टेन इनवर्स होता है, टेन इनवर्स और थीटा इमेजिनरी नंबर ऊपर आ जाएगी, इमेजिनरी नंबर √3 है और नीचे कितना 1 है। तो आप यहाँ पर देखोगे टेन इनवर्स जो होता है √3/1, √3। तो यहाँ से टेन, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी, टेन 60 पे होता है, टेन 60 कितना होता है आपका, π/3। तो π/3 इसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि इसने बोला कि जेड इनवर्स कंप्लीट दे रखा है। तो यहाँ पर जेड आर्ग्यूमेंट भी आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको जेड मानू, ऊपर वाले को जेड मानू, तो नीचे वाले को क्या, जेड आर जेड कंजुगेट होता है, जेड बटे जेड कंजुगेट दे रखा आपको, क्योंकि साइन ही तो चेंज है। तो साइन चेंज है तो इसका मतलब हम जब निकालते हैं आर्ग्यूमेंट जेड का तो क्या होता है, इसका मॉडुलस होता है दोनों का, राइट। और जब मॉडुलस होता है तो आयोटा की वैल्यू जो आएगी आपकी पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो पॉजिटिव वैल्यू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2z आ जाएगा। और जेड की वैल्यू आपके पास यहाँ π/3 आई है, तो 2 × π/3 आपको आंसर दे देगा, कितना, 2π/3। सिंपल सी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, 13। थर्टीन क्वेश्चन देखते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू अगर एपी में है तो ये क्या दे दिया, ए बी सी आना चाहिए था। ये देखो मिस प्रिंट क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आपको आंसर मिल सकता है राइट आंसर, अगर सी की जगह, यहाँ 3 की जगह मुझे सी आना चाहिए था, ठीक है। अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, ए की वैल्यू 1 पुट करूँ, क्योंकि एपी में है तो एपी में आप कुछ भी पुट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो आप देखोगे क्या, x+1, x+2, x+3, ओके। और नीचे क्या, x+2, x+3 और x+4। तो ए की जगह मैं 1 पुट कर लेता हूँ, बी की जगह 2 पुट कर लेता हूँ, सी की जगह 3 पुट कर लेता हूँ।
जैसा हमने ये पुट किया तो आपको देखा होगा ये रो और ये रो कॉमन है, सेम है। अगर सेम रो आ जाते तो हम क्या करते हैं, वो आंसर किस में देता है, जीरो में। सीधा साधा सा क्वेश्चन था, जीरो इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 14। फोर्टीन में बोला कि अगर ये जीपी में है, जीपी का आपको पता होगा कि क्या होता है, कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ax की पावर 2 इज इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लाई लॉग एक्स ऑफ ए लॉग बी ऑफ एक्स। तो इसको सोल्व करें तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा और यहां से जो आएगा आपकी वैल्यू एक्स ऑफ ए सॉरी 2 लॉग ऑफ ए ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। लॉग ए इसे दोनों की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 नीचे आ जाएगा आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2 एक्स लॉग ऑफ ए बाई ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इधर भी लॉग ऑफ ए कर देंगे और इधर ए बाई बी सॉरी बाई नहीं, हम लॉग के पे लिखते हैं ऐसे हैं कि लॉग ए बाई बी, लेकिन लॉग ए बी हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ बी नीचे ए ऊपर, राइट। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड बाय 2 इसके नीचे डिवाइड बाय 2 कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि ये क्या है जीपी में, जीपी में है, जीपी में मैंने आपको क्या बताया था, स्क्वायर रूट है। और देखो यहाँ पर बेस सेम है तो आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, बेस सेम है तो हमें सिर्फ पावर से मतलब है, पावर 3 पावर हमारे पास, बी ए सी और आपका 1/a। तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो बी कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, बी अपॉन ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ca प्लस 1/ सॉरी सॉरी स्क्वायर नहीं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, रेशियो बनाते हैं यहाँ पर जीपी में, तो आप बी बाई ए सी करोगे और यहाँ पर क्या करोगे, कॉमन ले लो ए सी और ए प्लस सी हो जाएगा, क्या कर रहा हूँ यार मैं, ये 2 यहाँ पर मल्टीपल होगा सॉरी। तो जैसे आपने सोल्व किया तो ए सी से ए सी कट कैंसिल आउट हो जाएगा और 2b की वैल्यू यहाँ पर आपको ए प्लस बी सी दे देगा। जैसे आप देखोगे कि एपी की सीरीज आप बना के देखोगे कि ए और सी में सेम डिफरेंस आ रहा है, किस किस का, बी का आ रहा है। ठीक है, बी का डिफरेंस आ रहा है तो ये आपकी किस में होगी, ये कंडीशन, ये लाइन आपके किस में होता है, एपी में होता है। ठीक है, अगर एपी आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो एपी में आपको ये लाइन मिल जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16। 16 में बोला कि फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म आपको दे रहे 5/2 13/23/2। बोला कि इफ एनी टर्म ऑफ लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन टर्म। आप एक चीज देखोगे, जीरो से मतलब जीरो से जस्ट वाले नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दो नंबर अपने पास दे रखे, फर्स्ट नंबर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दे रखे अपने पास, सेकेंड टर्म दे रखी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितने 5/2 है, सेकेंड 23/12 है। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये 2 है ना एलसीएम में, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 12 बनाने के लिए, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेम ऊपर 6 है, तो 13/12 30/12 सेकंड कितने, ये तो देखोगे 7 का डिफरेंस आपको दिखाई दे, 7/12 का डिफरेंस, तो आगे 7 का डिफरेंस चेक करोगे तो 23 में 7 गए 16/12 हो जाएगा, आगे 7 का डिफरेंस चेक करोगे तो 9/12 हो जाएगा, आगे 7 का डिफरेंस चेक करोगे तो 2/12 हो जाएगा, आगे चेक करोगे तो -5/12 होगा। आई थिंक मेरे ख्याल से इससे बड़ी नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा आपको इस टर्म में, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है। तो चेक कर लो, चेक कर लीजिए कितने कितने टर्म के बाद आपके पास ये आया है, तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ टर्म पर आपका सबसे नेगेटिव लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर है अगर हम इस सीरीज को सोल्व करें तो। ठीक है, तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन दे रखे, इसमें भी आपको एपी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन है। 17, सेवनटीन चेक करते हैं भाई,
बोला कि अगर आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है 4x+k इज इक्वल टू 0, तो के क्या है कि रियल रूट्स हैं और बोथ ऑफ देम आर लाइफ इंटरवल, ये इंटरवल आपको दे दिया गया, नहीं हमें 0 यूज करना, नहीं 5 यूज करना, तो इसका मतलब इनके बीच का यूज करना 1, 2, 3 और 4 यूज करना है। ठीक है, अगर आप बिना देखे भी इसको सॉल्व कर पाओ तो सीधा सा आंसर आपके सामने है, 4 आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन, क्योंकि सब 4 इंटरवल है जो हम यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको देखना चाहो तो देख सकते हो, हमें रियल रूट चाहिए, आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट क्या था, b²-b², sorry b²-16-4ac4 × 1, ये आपका 1 और 6 4 की, तो इज इक्वल टू 0, और इंटरवल दिया गया तो इसका मतलब रियल है, तो रियल का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये लो पॉजिटिव भी बना दिया। ठीक है, तो इतना करने बाद यहां से 4k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, k की वैल्यू लास्ट कितनी जानी चाहिए, 4 आनी चाहिए, लास्ट कितनी जानी चाहिए, 4 आनी चाहिए, 0 हम ले नहीं सकते क्योंकि ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में हम जो नंबर हमें दे रखा वो हम ले नहीं सकते। ठीक है, ओके, और 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं, और ये चारों टर्म आपके क्या हो जाएंगे, आंसर दे देंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप देखते इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th, बोला कि एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म एक्स है, चलो मान लेते हैं, एंड द सेकंड टर्म एन, फर्स्ट टर्म सॉरी द सम ऑफ द फर्स्ट नैन टर्म इज 0, व्हाट इज द सम ऑफ नेक्स्ट एम टर्म टर्म सॉरी। तो मैं यहां पर एक पॉइंट मान रहा हूं, तो मुझे कुछ नंबर ऐसा चाहिए कि मान लो अगर फर्स्ट टर्म मेरी एक्स है, अगर ये फर्स्ट टर्म है मेरी, ठीक है फर्स्ट टर्म एक्स है, तो मुझे कुछ टर्म का सम कितना चाहिए, 0, तो मैं एक काम करता हूँ कि अगर मैं -2 इसको मान लेता हूँ, नेक्स्ट 0 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर मैंने लिया कितने का, +2 का डिफरेंस, +2 का डिफरेंस यहाँ पर लिया है मैंने, और जैसे यहाँ लिया तो -2 0 2, अगर आप इनका सम करोगे तो यहाँ से 0 आंसर आएगा, सम ऑफ एन टर्म इज 0, आप चेक कर सकते हैं कि इनका आंसर सम, अगर टोटल सम करोगे तो 0 आंसर देगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, तो बोला कि नेक्स्ट सम ऑफ नेक्स्ट एम टर्म, आगे के टर्म चेक करो, आगे के टर्म, तो +2 ऐड कर दो, 4 4, ये 4 क्या है, ये 4 आपके टर्म भी है, साथ में क्या है, सम ऑफ नेक्स्ट टर्म एम टर्म जितने भी हैं, और यहाँ पर टोटल टर्म कितने हैं, टोटल 1 है, तो टर्म कितने हैं, एम एम जो एम एच टर्म है वो कितनी है आपकी, 1 है, और इनका सम कितना है, सम ऑफ एम एच टर्म कितना, 4 है, तो ये 4 हमें आना चाहिए, चेक कर लीजिए यहाँ से, हम फिर बता रहा हूं मैं, यहाँ से जो एक्स की वैल्यू हो वो कितनी है, -2 माननी है, डी नहीं दे रखा, एन टर्म का सम, एन टर्म कितनी है आप चेक करोगे, इतना इन इनका सम क्या है, 0 है, तो कितने टर्म है यहाँ पर, 3 है, एम कितना है, 1 है, और कुछ है, और कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर लीजिए ऑप्शन में, ये साइज वैल्यू पुट कर लीजिए, हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्या है यूपीएससी जो होता है ना वो आप भाई अपने लिमिट के क्वेश्चन पूछती है कि आप कितनी जल्दी उस बात को पकड़ सकते हो, तो वो चीज आपको देखनी है खुद जाके। ठीक है, प्रैक्टिस से ये चीज आने वाली, तो प्रैक्टिस करो किया करो, तो m की वैल्यू है, x की वैल्यू है और n की वैल्यू है, तो m कितना दे रखा है यहाँ पर, 1, 1 × -2 हो जाएगा, और अंदर कितना है, 3 + 1 3 + 1, अगर आप इसको सोल्व करो, और नीचे कितना है, 3 - 1, अगर आप इसको सोल्व करो तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव में तो अपना आंसर जाना नहीं चाहिए क्योंकि पॉजिटिव का 4 आंसर अपना। सेकंड देखते हैं, m आपका 1 है, एक्स आपका -2 है, और एम प्लस एन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट, और नीचे एन 1 - 3 है, तो 1 - 3 - 2, -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से 4 आंसर दे दिया, तो ये तो अपना राइट दिखाई दे रहा मुझे, और नीचे क्या है, ऊपर तो देखो -2 है क्योंकि एक्स की वैल्यू -2 दे रहा है हमेशा, और नीचे क्या है, -1 1 - 1, नीचे 1 - 1 है, 0 है, 0 है नीचे, 0 है नीचे, और 0 है तो इसका मतलब नॉट डिफाइन हो गई है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन, और चेक कर लेते हैं इसी बेस पर,
-2 तो ऊपर है क्योंकि एक्स की वजह से, और बाकी सारे पॉजिटिव हैं। नीचे देख लेते हैं, माइनस आ रहा है, यानी 1 -1 ये भी 0 दे रहा है, नॉट डिफाइन दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगर आप फॉर्मूले बेसिक पे भी ट्राई करो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th बोला कि 25 का फैक्टोरियल प्लस में 1 किया तो क्या 26 से डिविजिबल है। सेम प्रोसेस यहाँ पर दी गई है। तो फर्स्ट टर्म देखते हैं 19 की, तो 25 का फैक्टोरियल क्या होता है। देखो ये इसको पूरे को हमने 26 से डिवाइड करना है। 25 का फैक्टोरियल 24 से चलते चलते कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में 13 आएगा, ऐसे चलते चलते कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में 2 आएगा, मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा। ये आपका 25 का फैक्टोरियल हमने लिख दिया है। ठीक है, साथ में प्लस 1 किया गया है, क्या 26 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। देख लेते हैं, 26 से देखो 13 है, 13 दूनी 26 हो गया, 26 से 26 कट गया, तो ये प्लस 1 क्या आया, रिमाइंडर आया। यहाँ पर रिमाइंडर है, कंप्लीट डिवाइड नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड चेक कर लेते हैं, 6 का फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में ये प्लस में 1 दे दिया, अपॉन में 7 होना चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे 6 5 30, 30 100 120, 120 6 720, 720 ये कंप्लीट होना चाहिए भाई, सॉरी कंप्लीट होना चाहिए, 720 + 1 721, 721 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 7 0 3 आपका आंसर दे देगा। ओके, 103 पे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ये तो ये डिवाइड हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ओनली सेकंड आपका राइट आंसर दे देगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, 20th। कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से क्वेश्चन दे रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का बोला कि जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट ये चीज हमने प्योरली इमेजिनरी दिखाई दे रही है। व्हाट इज द, क्या दे दिया आगे, व्हाट इज द, क्या आगे, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ जेड। अगर आपको मॉडुलस ऑफ जेड आता है तो वह हमेशा क्या होता है, रियल में आता है, तो रियल की पोजिशन हमें बतानी है। तो z-1/z+1 इसको हम इमेजिनरी से रियल बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो नीचे वाला है उसका कंजुगेट के साथ इसके क्या करें, मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे आप मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, आपके पास z into z कंजुगेट आ जाएगा, माइनस में 1, ओके, प्लस में z into z कंजुगेट, सॉरी भाई, z z-z कंजुगेट आएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, तो नीचे क्या आएगा, z into z, ये तो स्क्वेयर हो जाएगा ना, प्लस में z कंजुगेट +1, तो ये तो स्क्वेयर आ गया। देखो मैं अगर दोनों के नीचे इसको डिवाइड कर देता हूँ, राइट, अगर दोनों के नीचे डिवाइड किया, z z कंजुगेट -1/z z कंजुगेट +z कंजुगेट +1, दूसरा है z-z कंजुगेट /z z कंजुगेट +z कंजुगेट +1, और ये जो होता है ये 0 के इक्वल होता है, और हमें किससे मतलब है, इमेजिनरी से, इमेजिनरी तो दे रखी है, तो मॉडुलस ऑफ जेड है, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या कहता है कि रियल से मतलब हमें, और रियल इसमें कौन सा है, ये टर्म रियल है, ये टर्म रियल है। ठीक है, तो इसको हमें 0 से इक्वल करना, तो इसको हम कट कर देते हैं, जैसे हमने सॉल्व किया जेड जेड कंजुगेट -1 = 0, तो यहाँ से जेड, और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई ही मॉडुलस ऑफ जेड कहलाता है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वेयर कहलाता है, जो कि 1 के बराबर हो गया, और मॉडुलस जेड कितना हो जाएगा, +-1 आ जाएगा, +-1 आपका राइट आंसर दे देगा। देखो फॉर्मूले बेस है, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी बेस है, तो प्लस माइनस तो देने रखा, तो 1 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर। 21 नंबर क्या कह रहा है कि आपका x-4 मॉडुलस +1 x-7 15 है, तो यहाँ पर देखो मॉडुलस का क्या, मॉडुलस का मेन मतलब क्या होता है, अगर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो भी वैल्यू से हम नेगेटिव से पॉजिटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए,
तो अब हमें ऐसी वैल्यू देखनी पड़ेगी एक्स की, कुछ ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी। कितनी ऐसी वैल्यू है, कितनी ऐसे रियल नंबर है जो सेटिस्फाई कर देगी इस पूरे को, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो एक तो मैं करता हूँ कि सभी को प्लस कर लेता हूँ, एक्स माइनस फोर प्लस एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू 15 हो गया। तो यहां से 2x-11 इज इक्वल टू 15, 2x इज इक्वल टू 26 हो जाएगा, x की वैल्यू 13 आ जाएगी। एक तो वैल्यू ये आ गई, राइट, एक तो वैल्यू ये आ गई, ओके। और दूसरी हम कर लेते हैं कि चार, अगर x नेगेटिव मान लेते हैं आपकी बार, क्या मानते हैं, नेगेटिव ऑफ x मान लेते हैं, राइट, और नंबर्स को बड़ा मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैंने यहां पर काम किया, यहां पर मैंने नेगेटिव को कॉमन लिया, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस है, तो मॉडुलस से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं कि चाहे आप पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, हमें तो वैल्यू से मतलब होती है। एज इट इज यहाँ पर -x+7 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, तो -2x+11 इज इक्वल टू 15, तो -2x और आपका कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो, वैल्यू पुट करके देख सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हमारे साथ, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर आप -2, यहाँ पर -2 -4 रखो तो -6 आ गया, तो मॉडुलस से +6 हो जाएगा। -2 -7 रखोगे तो ये -9 आ जाएगा, मॉडुलस से प्लस हो जाएगा 9, तो 6+9 15। सेम आप चेक कर ले, 13 -4 9 होता है, 13 -7 6 होता है, दोनों का एडिशन करोगे तो 15 आएगा, चेक कर लीजिए आप बिल्कुल। नेक्स्ट, सॉरी, कितने टर्म आई यहाँ से, एक टर्म ये है, दूसरी है, तो 2 only 2 आपका राइट आंसर दे देगा। 22nd देखते हैं, 22nd में क्या बोला कि अगर मैपिंग है एफ ए टू बी बना रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक एफ ऑन टू फंक्शन है, तो ए और बी के इक्वल वैल्यू क्या हो गए। तो अगर मैं इसका अकॉर्डिंग देखूं, ये अपना ए है, ए में वाई है, ठीक है, तो इसमें जो हम डिनोमिनेटर देखते हैं उसका यूज करते हैं, तो 3x+5 इजिकल टू 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को हम हमेशा 0 के इक्वल रखते हैं, और यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -5/3। और ये जो वैल्यू मैंने दी है, यहाँ से क्या होगा कि ए के अंदर जो होगा वो अपने एक्स की इस वैल्यू पे काम नहीं होना चाहिए, क्यों, काम हो गया तो ये नीचे 0 दे देगा, और नीचे हमें डिनोमिनेटर में हमने कभी भी 0 लानी नहीं, जिसकी वजह से हमने इस वैल्यू को क्या करना, रियल नंबर में से रिजेक्ट करना है। बस यही काम आपको करना है, तो देख लो कि इसमें ये फर्स्ट लास्ट वन में है, ये देखो, सॉरी, इसमें भी भाई। तो एक बार सेकंड और देख लेते हैं कि ये ऑप्शन में से, ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट हो गए वैसे, ठीक है, तो एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू, ये अब मैं b के लिए बना रहा हूँ भाई, a के लिए तो मैंने बना दी, a के लिए तो ये आ गई, अब b के लिए बना रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2x+3/3x+5। तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी, ठीक है, यहां से हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी, फिर जो डिनोमिनेटर आएगा ना y के हेल्प से, उसको 0 के इक्वल पुट करके उसकी वैल्यू भी हम माइनस कर देंगे रियल नंबर से। चलो चेक कर लेते हैं, 3xy+5y इज इक्वल टू 2x+3। एक्स एक्स वालों को एक साइड ले जाओ, बाकी को अलग ले, तो 2x को इधर ले रहा हूं, तो 3xy+2x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ये 5 3-5y, और सॉरी, हाँ, एक्स को कॉमन लिया, 3x 3y+2 इज इक्वल टू 3-5y। डिनोमिनेटर यहाँ से जो आया, 3-5y/3y, तो इसका डिनोमिनेटर यूज करना है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या है, 3y+2 इज इक्वल टू 0 ले लो, और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो -2/3 आएगी। तो बी सेट में से हमने इसको हटाना है रियल नंबर में से, -2/3 को, तो यहाँ पर -2/3 यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये कट हो गया, तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं भाई इस एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल भी नहीं है लेवल इनका। कितने हो गए थे अपने, अच्छा रह रहे क्वेश्चन ऊपर, ट्वेंटी थ्री में क्या बोला कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो सकती है, ये पूछा है। तो आप देखोगे कि
ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, और यहां से ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू, सॉरी अल्फा, फाइंड द अल्फा निकालना है, सॉरी भाई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ने क्या बोला कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू टू, तो इससे भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। अगर अल्फा की निकालनी तो बीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस अल्फा पुट कर देंगे, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अल्फा का स्क्वायर कितना दे, पॉजिटिव का अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू टू, यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू वन, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस वन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगी। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड ने क्या बोला है, ए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए है ना, वो क्या आपका माइनस अल्फा प्लस बीटा ही तो है, सॉरी कंप्लीट ब्रैकेट में, तो इस नेक्स्ट वाली वैल्यू दे क्या रखेगी, अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, और जो ए की वैल्यू वो जीरो दे रखी, इसकी वैल्यू जीरो दे रखी, तो हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल के अल्फा में पुट करना है। तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाई अल्फा, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस है ना, तो इसको हम एक मिनट, तो बीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ दीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज करें, ऐसा कुछ, चलो फिर भी सॉल्व करते हैं, कोई नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन बाय अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे माइनस रखो चाहे पॉजिटिव रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो के इक्वल है। तो यहां से आप अल्फा प्लस माइनस वन आयोटा, ये क्या हो जाएगा, आयोटा में चेंज हो जाएगा, और स्क्वायर रूट अल्फा इज इक्वल टू जीरो, यहां से भी आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो अल्फा स्क्वायर करके, ठीक है। तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, पर प्रैक्टिस होगी तो दोनों ठीक हो जाएंगे। तो इसका दोनों राइट हो जाएगा, बोथ वन एंड टू। 24th क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि क्या है, ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन बोला कि सिक्स टर्म निकालनी बाइनोमियल एक्सपेंशन की, और जो है ये टर्म सिक्स टर्म इतनी है, और हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। देखो अगर आप एक्स की वैल्यू पुट करना चाहो अच्छे से तो आप पुट कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, वरना आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो सिक्स टर्म पूछे तो इसका मतलब टी फाइव माइनस प्लस सॉरी वन, तो एक पीछे वाले पे यूज करेंगे हम, तो यहां से जो 8c5 आ जाएगा, और यहां पर आपकी जो दे रखी है एक्स की पावर माइनस 8/3 प्लस में एक्स के लॉग ऑफ 10x की पावर 8 जितने की 5600 के बराबर दे रखा है। ओके, तो 8c5 हम सोल्व करेंगे, तो 8c5 को सोल्व करेंगे, तो एक मिनट में आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होगा। अगर मैं एक्स माइनस 8/3 को कॉमन ले लू, ठीक है, 3 को कॉमन ले लो, तो ये क्या होगा अंदर, तो यहाँ तो क्यूब आ जाएगा, राइट, और अंदर जो बचेगा लॉग की टर्म में, तो एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ 10x की पावर, देखो यहां से मैंने 3 को साइड ले लिया, और 3 को साइड लिया तो ये सोल्व किया, तो इसका मतलब ये कितना आया था, 1 आया था, और जैसे 3 सोल्व किया तो यहाँ पर पावर कितनी बच गई, 5 बच गई, जो इसकी वैल्यू है 5600, ठीक है। तो 3 से 3 ये कट गया, तो 8c5 कितना हो जाएगा, 8 × 7 × 6 अपॉन में आपका 5 × 3, 3 × 2 हो जाएगा, और नीचे ये आपका कितना, एक्स की पावर माइनस 8, यहाँ पर एक्स की पावर 2, यहाँ पर लॉग ऑफ 10x की पावर 5, ओके इज इक्वल टू 5600। तो 56 तो ये हो गया, 8 × 7 = 56, और 6 से 6 कट गया, तो 8 × 7 = 56, ये आपका 100 हो गया। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो ये आपका, अगर कंप्लीट मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लोगो 10, 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 100 है, सॉरी सॉरी एक्स है बेटी, एक्स है, यहाँ पर एक्स है, और x की वैल्यू आप पुट करके देख लो, और 10 की वैल्यू पुट करोगे, x की जगह 10 पुट करोगे, ये आपका x है,
ये आपका एक्स है, और एक्स की वैल्यू अगर हम 10 पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंदर 1 हो जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा राइट, और 1 की पावर 5 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 दे रखी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही। आप चाहिए ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट करके भी आपका आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं, वैसे वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लास्ट और चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25th क्वेश्चन सोल्व किया पावर 4 में दोनों को, अगर मैं दोनों को सोल्व करूं तो देखोगे आप टर्म कितनी बनेगी ये हमें बताना है। तो मैं पहले 3x-y की पावर 4 को सोल्व कर रहा हूं, तो यहां से मैंने जैसे ही सोल्व किया तो मेरे पास जो आया वो आपका 3 की पावर 4x की पावर 4 आया, प्लस में 4 × 3 की पावर 3x की पावर 3, और आपका कितना आया, ये आपका -y है और इसकी पावर 1 आई, ठीक है, प्लस में 6 × 3x 3 स्क्वायर, या मैं कंप्लीट स्क्वायर लेता हूँ यहाँ पर, या कितना था 3x³ × 1, या आपका 3 स्क्वायर, और यहां से -y² हो जाएगा, प्लस में करोगे आगे, चलो आगे चलेंगे तो 4 × 3x और -y³ हो जाएगा, प्लस में आगे चलो 1, आगे तो माइनस, मतलब ये तो 0 पावर हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर y² - y² 4 हो जाएगी। इसको जैसे ही सोल्व किया तो ये आया आपका आंसर, ठीक है राइट। तो अगर अब मैं अब दोबारा देखूं, दूसरी जो ब्रैकेट है उसको सोल्व करते हैं, तो x+3y की पावर 4 इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस चलेगा, तो x² हो जाएगी, प्लस में 4 × x × 3y, x³ और ये 3y हो जाएगा, प्लस में 6 × x × x² हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो हो जाएगी 3y की पावर टोटल 2 हो जाएगी, प्लस में 4 × x³ यहाँ पर x⁻¹ आ जाएगी, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3y की पावर 3 आ जाएगी, प्लस में करोगे तो आपका 3y की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, मतलब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई में यूज करोगे तो कितने टर्म आपसे बनने वाली है, ये आपसे पूछा है, तो देखोगे, तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर देखोगे आप x⁴ है, यहाँ पर भी x⁴ है, तो टोटल कितनी पावर बन गई। देखो मैं आराम से समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, इस चीज को मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो मैं ज्यादा आपको कुछ बताने वाला नहीं, सिर्फ बेसिक से फार्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। x⁴ है तो कितना हो गया, x⁸ हो गई, सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा हूँ, फिर वाई पे डिपेंड करूंगा। x³ है कितना हो जाएगा, x⁶ हो जाएगी, यहाँ टर्म काउंट कर रहा हूँ मैं, x⁶ हो जाएगी, और y⁻¹ है, और y⁻¹ है तो y⁻² हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे चलते हैं तो यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर x⁴ 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 और सॉरी सॉरी एक जगह एक मिस्टेक रहेगी, कोई मिस्टेक नहीं, तो पहले मैं आप दिखा देता हूँ, तो यहाँ से y² और y² कितने हो जाएगी, y⁴ और x⁵1 और x⁵1 x⁵2 y⁴ कितनी हो जाएगी, आप चेक करोगे 3 यहाँ से है 6 हो जाएगी, और y⁴ कितनी हो जाएगी, y⁸ हो जाएगी, कितनी टर्म निकली, 1 2 3 4 5 टर्म निकली, टर्म अभी और निकलेंगे, टेंशन मतलब अभी कैसे निकलेंगे, देखो कुछ तो कटेंगे, तो मैं सिर्फ वो बताऊंगा आपको जैसे जहां से हमने निकालना है, तो x⁴ और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से x⁷ आएगी, और y⁻¹ कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी, ठीक है, ओनली इसको और इसको जो पॉजिटिव वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है, मैं नेगेटिव को छेड़ूंगा भी नहीं, यहाँ पर नेगेटिव तो इसको मैं छेड़ भी नहीं रहा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव देगा राइट, ये पॉजिटिव देगा, और इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, सेम क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से x⁵ आ जाएगी, x⁵ आ जाएगी,
एक्स की पावर 5 आ जाएगी और साथ में क्या आ जाएगी, वाई की पावर भी सेम 5 आ जाएगी, ठीक है। किसके साथ गिरी मैंने, हाँ इसके साथ, वाई की पावर 3 आएगी भैया। और देख लेते हैं, ये माइनस में तो ये कट जाए, तो सेम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, तो y की पावर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर 5 हो जाएगी और x की पावर 3 हो जाएगी। और भी निकल रहे हैं क्या अपने? और भी होंगे, y y y y की पावर 7 रह चुकी है, y की पावर 7 काउंट करवा दो। कहां से काउंट करेंगे भाई y की पावर 7? वाई की पावर 4, कहीं ना कहीं मिस्टेक रहेगा भाई, ठीक है। तो एक टर्म हो जाएगी अपनी, कौन सी है, एक्स की वाई की पावर 7 और एक्स की पावर 1, ये टर्म रहेगी। तो आप टोटल काउंट कर लीजिए यहां से कितनी है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आपको इसका आंसर जाना चाहिए। देखो टर्म कहीं ना कहीं मुझसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, तो मैं इसका एक सिंपल सा लॉजिक आपको दे रहा हूँ। जितनी हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी, जैसे 8 है, तो इससे एक बड़ी होनी चाहिए टर्म, इससे एक बड़ी टर्म होनी चाहिए, तो मतलब टोटल 9 टर्म होनी चाहिए, तो 9 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है, तो 15 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी बेस्ट लेवल के, ज्यादा मुश्किल लेवल क्वेश्चन नहीं दे रखा इन्होंने। तो अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं सब नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।